एक घर के अंदर कोई बच्चा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो घर में कुछ पहने ना पहने बट एक चीज जरूर पहनता है, जिसको पजामा बोलते हैं। पहले के टाइम में भी पजामा पहनते थे और आजकल भी, शक्ल जरूर बदल गई हो बट पजामा तो आज भी। तो पजामा का जब बच्चा जवान था या उस टाइम में पजामा भी नया था, धीरे धीरे वक्त बदलता चला गया और वो साहब भी बुजुर्ग होते चले गए और पजम्मा भी उसी एज के हिसाब से वो भी बूढ़ा होता चला गया। तो साहब भी अब इधर उधर घूम नहीं पाया करते थे, तो घर के अंदर रहते थे। तब तो वो पजामा, क्योंकि वो इतना फट गया था तो वो पहनने काबिल नहीं था, पर फिर भी पहनते ही तो थे। तो जब वो खाट पे बैठते थे तो पजामा को एक खूंटी पर लटका देते थे। तो पजामा खूंटी पर, साफ खाट पर। अब उनको पजामे की कुछ यादें थी जो वो दोबारा से गुनगुनाते थे। तो यहाँ पर वो क्या गुनगुनाते थे कि मेरे सामने वाली खूंटी पर एक फटा पजामा लटका है, मेरे सामने वाली खूंटी पर एक फटा पजामा लटका है। चाहे मैं घर में हूँ या बाहर हूँ, मेरा ध्यान उसी में अटका है। मेरे सामने वाली खूंटी पर एक फटा पजामा लटका है, कहीं और अधिक ना फट जाए इसी बात का खटका है। फिर वो उसको कभी कई बार धोया करते थे, क्योंकि पुराना हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जिस रोज से मैंने धोबी को धोने के लिए दिया, तो मेरे सामने वाली खूंटी पर एक फटा पजामा लटका है, कहीं और अधिक ना फट जाए इसी बात का खटका है। जिस रोज से पहना है हमने, जिस रोज से पहना है हमने, मेरा ध्यान उसी में अटका है। जिस रोज से पहना है हमने, मतलब कहता है कि जब से मैंने पहना तब से मैं घर में हूं या बाहर हूं। जिस रोज से पहना है हमने, वो एज्यूम करता है, जिस रोज से पहना है हमने, मेरा ध्यान उसी में अटका है। मेरे सामने वाली कोठी पर एक फटा पजामा लटका है।